अब हम बात कर लेते हैं लोकोमोशन की। डायनोफ्लाजेलेट्स में अगर मैं लोकोमोशन की बात करूं तो यहाँ पे लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक डायग्राम मैं यहाँ पे बना रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे ये जो डायग्राम मैं बना रही हूँ, ये बना रही हूँ जिम्नोडिनियम का, अब मैंने आपको बताया कि जो इसकी सेल वॉल है जिम्नोडिनियम की, वो स्कल्पचर्ड, उसके ऊपर स्कल्पचर्ड प्लेट है, तो मैं यहाँ पे स्कल्पचर्ड प्लेट भी ड्रॉ कर देती हूँ। इस तरीके से ये स्कल्पचर्ड प्लेट्स हैं जिम्नोडिनियम की। स्कल्पचर्ड प्लेट के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो एक इस तरीके की लेंथ है, ग्रूव है, और एक इस तरीके का ग्रूव है। तो ये वाला जो ग्रूव है इसको कहा जाता है ट्रांसवर्स ग्रूव, और ये वाला जो लंबाई में ग्रूव है इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ओके, यहाँ पे स्कल्पचर्ड आपने देख ली, सेल वॉल स्कल्पचर्ड है, ट्रांसवर्स ग्रूव है जो कि इस तरीके से होता है चारों तरफ जिम्नोडिनियम के, और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है इस तरीके से, इस तरीके से ग्रूव होता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ठीक है, ट्रांसवर्स ग्रूव को और क्या क्या नाम दे सकते हैं? ट्रांसवर्स ग्रूव को कहा जाता है गर्डल, या फिर आप इसको कह सकते हो सिंग्यूलम, या फिर आप इसको दूसरा नाम दे सकते हो एन्यूलस। एन्यूलस, ठीक है, गर्डल, सिंग्यूलम, ट्रांसवर्स ग्रूव और एन्यूलस, ये सारे एक ही नाम है। और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव को आप कहते हो सल्कस, सल्कस। ठीक है, एन्यूलस यहाँ पर जो मैंने ये बताया है, एन्यूलस का मतलब होता है रिंग। ये आपने देखा है मैंने जो शेप बनाई है ट्रांसवर्स ग्रूव की, एन्यूलस का मतलब होता है रिंग, और ये रिंग जैसी शेप है सेल के चारों तरफ। तो आई होप ये टर्म आपको क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं लोकोमोशन की। तो लोकोमोशन जो होता है डायनोफ्लाजेलेट्स में वो होगा फ्लाजिला की मदद से। तो यहाँ पे मैं फ्लाजिला बना देती हूँ। एक हमारा फ्लाजिला होगा ट्रांसवर्स ग्रूव में, और एक फ्लैजेला हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में, इस तरीके से। ठीक है, एक फ्लैजेला ट्रांसवर्स ग्रूव में, एक फ्लैजेला लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में, यस। तो अब यहाँ पे मूवमेंट कैसी होती है? देखो, पहली बात तो जो ट्रांसवर्स ग्रूव में फ्लैजेला प्रेजेंट है वो रिबन जैसा होता है, ठीक है, इट्स लाइक रिबन। और जो दूसरा फ्लैजेला लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में आप यहाँ देख रहे हो, दिस इज गोना बी थिन एंड नैरो, और ये वाला जो फ्लैजेला होगा इट इज गोना बी रिबन लाइक, ये होता है रिबन जैसा। ठीक है, डायनोफ्लैजेलेट्स में दो फ्लैजेला हैं और दोनों आप देख रहे हो डिफरेंट हैं, एक रिबन जैसा है और दूसरा थिन है। जब दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं और दोनों अलग अलग तरीके के फ्लैजेला होते हैं,
इस चीज को, इस स्पेसिफिक सिनेरियो को जो टर्म दिया जाता है वो होता है हेट्रोकॉन्स, फ्लैजेलेशन, हेट्रोकॉन्ट फ्लैजेलेशन। जी हाँ, हेट्रोकॉन्ट फ्लैजेलेशन लोकोमोशन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कैसे मूव करेगा, दो हमने फ्लैजुला दिखा दिए, ये मेरे पास है आपका जिम्नोडेनियम, ये हो गए उसके ट्रांसवर्स ग्रूव और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। अब ये मूव कैसे करेगा जिम्नोडेनियम, तो यहाँ पर जो फ्लैजुला ट्रांसवर्स ग्रूव में है, मैं यहाँ पर ट्रांसवर्स ग्रूव में फ्लैजुला दिखाती हूँ, जब जिम्नोडेनियम इसकी मूवमेंट करेगा, ठीक है, जब ये मूव करेगा तो जो ऑर्गेनिज्म है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, इस तरफ। ठीक है, जब जिम्नोडीनियम का लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव का फ्लैजेला मूव करेगा, यहाँ का फ्लैजेला मूव करेगा, तो ये ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा आगे की डायरेक्शन में। ठीक है, ये आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा। और अब जब दोनों साथ में मूव करेंगे, जब दोनों साथ में फ्लैप करेंगे, तो ये बढ़ेगा इस डायरेक्शन में, वेक्टर अगर आपको याद हो, यहां और यहां के बीच में मूव करेगा। ठीक है, और ये जो मूवमेंट होगा इसका, दिस मूवमेंट वुड बी लाइक दिस, लट्टू की तरह। ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला मूव कर रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म आगे की तरफ बढ़ता है, ट्रांसवर्स फ्लैजेला मूव करता है तो ऑर्गेनिज्म साइडवेज में मूव करता है। ठीक है, दोनों फ्लैजेला एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है, जब ये दोनों एक साथ मूव करेंगे तो ऑर्गेनिज्म सर्कुलर मोशन में आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये जो आपका मूवमेंट होगा, इस मूवमेंट को कहेंगे स्पिनिंग मूवमेंट, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज स्पिनिंग मूवमेंट, और ऑर्गेनिज्म जो स्पिनिंग मूवमेंट शो करेगा उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा वर्लिंग वेव्स। वो जब ये मूवमेंट शो कर रहे होंगे, एट दैट टाइम आप उसको वर्लिंग वेव कहोगे। वेव का मतलब क्या होता है, वेव का मतलब होता है हंटर, और वर्लिंग का मतलब होता है रोटेटिंग। ठीक है, तो ये ऐसे मूव करेगा जैसे हंटर रोटेट करता है। ठीक है, तो हम उसको वर्लिंग वेव कहेंगे। ये जिम्नोडिनियम का एग्जाम्पल था, आई होप आपको इसका जो मूवमेंट है, जो इसका लोकोमोशन है, वो समझ आया होगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, विच इज न्यूट्रिशन। मैंने आपको बता दिए हैं सारे पॉइंट्स, फोर्थ आ जाता है न्यूट्रिशन। अब इसका न्यूट्रिशन कैसा होगा, न्यूट्रिशन डायनोफ्लाजिलेट्स का हमेशा ही ऑटोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन होता है, लेकिन कुछ इसमें पैरासिटिक भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं, पैरासिटिक। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल है ब्लास्टोडीनियम, ब्लास्टोडीनियम ये कलरलेस पैरासाइट है, दिस इज अ कलरलेस पैरासाइट। पैरासाइट किसके ऊपर, पैरासाइट एनिमल्स पे। ठीक है, तो ये इकलौता ऐसा डाइनोफ्लाजिलेट है जो कलरलेस पैरासाइट की तरह एक्ट करता है, बाकी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस, मैंने कहा ऑटोट्रॉफिक है, दैट मींस फोटोसिंथेसिस ये परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग फोटो सिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए इनको चाहिए होते हैं अपने अंदर पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो इनके अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, दैट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और कैरोटीनोइड। कैरोटीनोइड में आपका आ जाता है अल्फा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल ये सब। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, अल्फा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल ये सब। ठीक है, उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है ब्लास्टोडीनियम पैरासिटिक डायनोफ्लाजेलेट है। देन नेक्स्ट हम आते हैं इस पे रिजर्व फूड पे, रिजर्व फूड। अगर मैं इसके रिजर्व फूड की बात करूं तो रिजर्व फूड जो इसमें होता है वो कार्बोहाइड्रेट एंड ऑयल फॉर्म में होता है। ठीक है, रिजर्व फूड या तो कार्बोहाइड्रेट होगा या फिर ऑयल होगा। नेक्स्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया है मराइनिक वाटर में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, थोड़े बहुत फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे ऑर्गेनिजम्स
जो कि पानी में रह रहे हैं, स्पेशली फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, दे विल डेफिनेटली हैव दी वैक्यूल, वैक्यूल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वैक्यूल कई तरीके के होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा, और उस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का नाम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का नाम होगा फ्यूस्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज फ्यूस्यूल, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है इसका सेल्यूलर स्ट्रक्चर, सेल्यूलर स्ट्रक्चर। अब देखो जब हमने सेल्यूलर स्ट्रक्चर में मैंने दो तरीके के ऑर्गेनिज्म अभी तक आपको बताए हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। इन दोनों के बीच में एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको कहा जाता है मीजोकैरियोटिक, मीजोकैरियोट। ये जो ऑर्गेनिज्म है कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स के पार्ट शो करेगा और कुछ चीजें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की तरह शो करेगा, ठीक है। मेजर पार्ट जो होता है मीजोकैरियोटिक सेल का, दैट इज ऑक्यूपाइड विद अ लार्ज न्यूक्लियस, और इनसाइड न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स आर विदाउट हिस्टोन एज वेल एज आरएनए एसोसिएशन, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आप इसको मीजोकैरियोट भी कह रहे हो, क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट आप कह नहीं सकते क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है हमारे यूकैरियोट में हमेशा हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इस केस में प्रोकैरियोटिक के केस में क्रोमोसोम्स हमेशा हिस्टोन्स के बिना होते हैं, लेकिन यहाँ पे हिस्टोन्स नहीं है, तो इसकी ये प्रॉपर्टी प्रोकैरियोट से रिजेंबल करती है कि आपके क्रोमोसोम्स विदाउट हिस्टोन है, और ये प्रॉपर्टी किसके पास न्यूक्लियस है ये रिजेंबल करती है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से, तो इसलिए इसको कहा गया मीजोकैरियोट, ठीक है। कैरियो मतलब कि न्यूक्लियस, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद बात कर लेते हैं हम इसके रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन इन डायनोफ्लैजेलेट्स। तो जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, अगेन प्रोटेस्टा की बात कर रहे हैं, तो दोनों तरीके की रिप्रोडक्शन होंगी, एसेक्सुअल मोड भी होगा और सेक्सुअल मोड भी होगा। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो तरीके की आती हैं, अगेन सेल डिवीजन होगा इसमें, सेल डिवीजन मतलब कि बाइनरी फिशन है कि नहीं, सेल डिवीजन जिसे आप कह सकते हो बाइनरी फिशन, और दूसरा हो जाता है आपका स्पोर फॉर्मेशन, फोर फॉर्मेशन। तो जो बाइनरी फिशन यहां पर हो रहा है वो बाइनरी फिशन हो सकता है ट्रांसवर्स हो, ट्रांसवर्स मतलब कि अगर ये आपका ऑर्गेनिज्म है तो इस तरीके से बाइनरी फिशन होके सेल दो हाफ में डिवाइड हो जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है लॉन्जिट्यूडनल हो, लॉन्जिट्यूडनल में ऑर्गेनिज्म इस तरीके से है इस तरीके से डिवाइड होगा, या फिर हो सकता है ओब्लीक हो, ओब्लीक इस तरीके से है इस तरीके से हाफ होगा, ठीक है। तो मेन जो डायनोफ्लैजेलेट्स में फिजन होता है दैट इज ओब्लीक, ओब्लीक होता है, ठीक है। और अगर मैं स्पोर फॉर्मेशन की बात करूं, अगर आपको याद हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था तो उसमें भी सेल डिवीजन बाइनरी फिजन और स्पोर फॉर्मेशन था, है कि नहीं। स्पोर फॉर्मेशन वहां पर जो हो रहा था वो एंडोस्पोर बन रहा था, वो बन रहा था स्पोर इनसाइड द सेल। इसमें जो स्पोर बन रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ, एक तो बनेगा फ्लैजेलेटेड स्पोर जिसके पास फ्लैजेला होगा, फ्लैजेलेटेड स्पोर, दूसरा बनेगा ए फ्लैजेलेटेड स्पोर या फिर नॉन फ्लैजेलेटेड स्पोर, नॉन फ्लैजेलेटेड स्पोर। अगर आपके स्पोर के पास, किसी भी स्पोर की मैं बात करूं, उस स्पोर के पास फ्लैजिला है तो उस स्पोर को हम कहेंगे जूस्पोर या फिर प्लानोस्पोर, और नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर जो बना उसको कहा गया ए प्लानोस्पोर। ये जो जूस्पोर मैंने आपको बताया कि अगर स्पोर के पास फ्लैजेला है, सिर्फ यहीं पे नहीं कहीं पे भी आप पढ़ो, चाहे फंगाई में पढ़ो चाहे प्लांट किंगडम में पढ़ो, कहीं पर भी अगर स्पोर के पास फ्लैजेला है तो आप उसको कहेंगे जूस्पोर, ठीक है। और नॉन फ्लैजेलेटेड स्पोर ऑटोमेटिकली बिकम्स ए प्लानोस्पोर, ठीक है, ओके। अच्छा एक बात और, अब यहाँ पे याद रखिएगा स्पोर्स के केस में जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो हेप्लॉइड होती है, ठीक
ठीक है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, बॉडी ऑफ डाइनोफ्लाजिलेट्स हैप्लॉइड होती है। जैसे अगर आप ह्यूमन की बात करो तो ह्यूमन की बॉडी डिप्लॉइड है, इसके अंदर सिर्फ जो आपके सेक्स सेल्स होते हैं जो कि मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं, सिर्फ वही हैप्लॉइड होते हैं, अदरवाइज बाकी सारे सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर डिप्लॉइड होते हैं। सेम वे जो डाइनोफ्लाजिलेट्स होते हैं इनकी बॉडी हैप्लॉइड होती है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर मैं बात करूं, एग्जांपल आप इसका ले लो सेराशियम। तो जब भी बॉडी हैप्लॉइड होगी, इन दैट केस जो लाइफ साइकिल आती है, जो लाइफ की इसकी साइकिल होगी वो हैप्लॉन्टिक रहेगी। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब सारी स्टेजेस इसकी लाइफ साइकिल में हैप्लॉन्टिक रहेंगी, हैप्लॉइड रहेंगी, सिवाय एक स्टेज को छोड़ के, ठीक है, सिवाय एक स्टेज को छोड़ के जो कि डिप्लॉइड रहेगी, और वो स्टेज होगी जाइगोट की, जाइगोट डिप्लॉइड होगा, ठीक है। तो जाइगोट डिप्लॉइड है तो हमने इसको नाम दे दिया जाइगोटिक मियोसिस, मतलब जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा, क्योंकि क्या होता है मियोसिस हमेशा हैप्लॉइड करता है, मियोसिस हमेशा हैप्लॉइड सेल बनाता है, माइटोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल बनाता है। तो यहाँ पे जाइगोट डिप्लॉइड है, जाइगोट में मियोसिस होगा, तो बाकी पूरे इसमें जो लाइफ साइकिल में सेल बनेंगे वो हैप्लॉइड रहेंगे, ठीक है। ऑल फेजेस आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट वन फेज, वो वन फेज जो कि डिप्लॉइड होगा वो होगा जाइगोट, और इसी वजह से जो मियोसिस हो रही है वो जाइगोट के अंदर हो रही है, इस वजह से हमने उसको जाइगोटिक मियोसिस नाम दिया। तो मियोसिस इसमें जाइगोटिक होगी और लाइफ साइकिल इसमें हैप्लॉन्टिक होगी। कुछ केसेस में जैसे आप डायटम्स में भी बाद में पढ़ोगे कि जो लाइफ साइकिल होती है वो डिप्लॉन्टिक होती है, दैट मीन सारी स्टेजेस इसमें डिप्लॉइड रहेंगी सिवाय एक स्टेज के जहां पे की गैमीट्स बन रहे हैं, सिर्फ वही हैप्लॉइड स्टेज होगी, इस वजह से हमने इसको नाम दिया डिप्लॉन्टिक, क्योंकि सारी स्टेजेस उसमें डिप्लॉइड थी, ठीक है। और मियोसिस कहाँ होगी उस हिसाब से हम नाम उसको देंगे जाइगोटिक मियोसिस या गैमेटिक मियोसिस, ठीक है। तो उस हिसाब से हम नाम देंगे। कमिंग बैक टू दिस स्टफ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ दो ही तरीके से होती है इनमें, दैट इज आइसोगैमस एंड अनआइसोगैमस। इनमें ऊगैमस अभी नहीं है, आइसोगैमस एंड अनआइसोगैमस, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ डाइनोफ्लैजेलेट्स ऐसे होते हैं जो डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है, कुछ डाइनोफ्लैजेलेट्स दे आर डिप्लॉइड, ठीक है, और कुछ के पास हैप्लॉइड बॉडी होती है। तो जो डिप्लॉइड डाइनोफ्लैजेलेट्स होंगे डिप्लॉइड के लिए, उनकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होगी और मियोसिस गैमेट में होगा, तो गैमेटिक मियोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो इस चीज को, डिप्लॉइड डाइनोफ्लैजेलेट्स के पास होगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और गैमेटिक मियोसिस, ठीक है, गैमेटिक मियोसिस। एग्जांपल आप गैमेटिक मियोसिस का लिख सकते हो या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का लिख सकते हो नॉक्टिल्यू का, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे दो एग्जांपल्स बताए हैं जो आप याद रखोगे, एक तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी नॉक्टिल्यूका में, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी सेराशियम में, ठीक है। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जहां तक मैं बात करती हूँ, अगर आपको कई सारे ऑप्शंस दिए जाए और उसमें से पूछा जाए कि कौन से डायनोफ्लैजेलेट में सेक्सुअल साइकिल होती है, तो आप उसका नाम लेंगे सेराशियम का, ठीक है। सेराशियम के पास बाइनरी फिजन प्रेजेंट है, ओब्लीक बाइनरी फिजन आप कह सकते हो, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेराशियम ही आता है। आई होप ये आपको सब स्टफ क्लियर हुआ होगा डाइनोफ्लैजेलेट्स का। अब एक और चीज जो डाइनोफ्लैजेलेट्स में आपको बहुत जरूरी है पता होना चाहिए, क्वाइट दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, वो है रेड टाइड। रेड टाइड आपको याद होगा जब मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने रेड सी बताया था, जब साइनोबैक्टीरिया ट्राइकोडेस्मियम की बहुत ज्यादा सी में ग्रोथ होती है तो वो रेड सी इफेक्ट कहा जाता है। गाइडेबो फिनोमिनन में भी मैंने आपको बताया था कि वो नीचे रेड कलर के दिखेंगे और बहुत ज्यादा जब होंगे तो वो सी को रेड कर देते हैं, तो उसको हम रेड सी इफेक्ट कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास होता है रेड टाइड। रेड टाइड में क्या होता है, रेड टाइड में डाइनोफ्लैजेलेट दो होते हैं हमारे पास, गोनियोलैक्स और जिम्नोडीनियम। जिम्नोडीनियम ये दोनों जो बहुत ही ज्यादा
रेट पर ग्रो करते हैं, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं पानी के अंदर, और इनके पास क्या होता है, फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट बहुत ज्यादा होता है, फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट। तो जब भी टाइड आएगी, और टाइड के साथ साथ ये गोनियोलेप्स और जिम्नोडिनियम उछल कर आएंगे, तो वो टाइड जो है वो लाल दिखेगी, बिल्कुल रेड कलर की दिखेगी, इसलिए हमने उसको रेड टाइड कहा। ठीक है, और डेफिनेटली रेड टाइड की वजह से शेलफिश पॉइजनिंग भी होती है। रेड टाइड आई आपकी, उसमें काफी सारे डायनोफ्लाजेलेट्स थे, जिनमें से शेलफिश, कंटामिनेटेड शेलफिश भी थी, और वो बहती हुई आ गई, ह्यूमंस ने कंज्यूम करा, वो बीमार पड़ गए, पैरालिटिक सेल्फिश अटैक हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे तो मैंने आपको रेड बता दिया कि फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट है, गोनियोलेक्स जिम्नोडिनियम ये रेड कलर के अपियर होंगे। इसके अलावा कई सारे हमारे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं जो सिर्फ रेड ही नहीं दिखते, ग्रीन भी दिखते हैं, ब्लू भी दिखते हैं, ऑरेंज भी। ब्लू मैंने आपको बताया था, नॉक्टिल्यू का नाइट लैम्प दिखेगा। ठीक है, ऑरेंज भी दिखेंगे, तो ये अलग अलग कलर्स होते हैं सबके। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायनोफ्लाजेलेट्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डाई एटम्स के बारे में, जो दूसरा मेंबर है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का। वापस अगर हम क्लासिफिकेशन पे जाएं यहाँ पे, तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में डायनोफ्लाजेलेट्स हमने पढ़ा, अब बारी आती है डाई एटम्स की। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। लेट अस स्टार्ट विद द डाई एटम्स। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं डाई एटम्स के बारे में, डाई एटम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। डाई एटम्स को गोल्डन एल्गे भी कहा जाता है, गोल्डन एल्गे डाई एटम्स को कहा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डाई एटम्स की डिवीजन की, तो डाई एटम की डिवीजन क्या थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो थी क्राइजोफाइटा, क्राइजोफाइटा। और क्लास क्या थी डाई एटम्स की, बेसिलेरियोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा। क्राइजोफाइटा डिवीजन के अंदर हमेशा याद रखेगा, यहाँ मैंने सिर्फ मेंशन करा है डाई एटम्स, लेकिन जब भी आप बात करते हो, देखो पहले किंगडम आएगा, किंगडम हमारा प्रोटिस्टा आया, प्रोटिस्टा के अंदर डिवीजन हमारे यहाँ तीन है। तीन डिवीजन में से सबसे पहले आपका आ गया था पायरोफाइटा, बेसिकली आपका क्राइजोफाइटा और यूग्लिनोफाइटा। ठीक है, तो क्राइजोफाइटा डिवीजन के अंदर जो आप ऑर्गेनिज्म लेते हो, वो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, बात ध्यान रखेगा, डाई एटम्स और डेस्मिड्स। डेस्मिड्स भी इसी के अंदर आते हैं, मैंने यहाँ अलग से नहीं लिखा, अदरवाइज मुझे डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स लिखना चाहिए था, बट जस्ट इन ऑर्डर टू मेक इट मोर सिंप्लीफाइड वर्जन, मैंने यहाँ पे सिर्फ डाई एटम्स शो करा है आपको। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम उठाते हैं एक एक करके इनके जनरल फीचर्स। तो सबसे पहले हम आते हैं डाई एटम के हैबिटेट। डाई एटम्स कहाँ रहते हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि डायनोफ्लाजेलेट्स जो है मरीनिक होते हैं मोस्टली, और बहुत ही थोड़े होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डाई एटम्स का जो हैबिटेट होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है, मराइन में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी इक्वल अमाउंट ऑफ डाई एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर एनवायरमेंट में भी उतने ही होते हैं और मरीन में भी उतने ही होते हैं। डाई एटम्स के लिए आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए, लेट मी जस्ट मेंशन ओवर हियर, डाई एटम को कहा जाता है ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम, ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहा जाता है, बिकॉज जो डाई एटम्स हैं बहुत सारी शेप के होते हैं, बहुत सारी शेप, दे हैव मेनी शेप। कुछ डाई एटम्स होंगे जो स्टार जैसे होंगे, कुछ डाई एटम होंगे जो डिस्क जैसे होंगे, कुछ रिबन जैसे होंगे, कुछ पर्ल जैसे होंगे, कुछ ट्रायंगुलर शेप के होंगे। तो इतनी सारी अलग अलग शेप्स की वजह से इनको जूल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको हैबिटेट बता दिया, एक जनरल सा कंटेक्स्ट बता दिया इनके बारे में। अब हैबिटेट के बाद हम आ जाते हैं डाई एटम के सेल वॉल के ऊपर। डाइनोफ्लाजिलेट में सेल वॉल कैसा था, डाइनोफ्लाजिलेट में वहां पे लॉरिका था, वहां पे थीका था, दैट मींस स्कल्पचर्ड प्लेट्स थी, और वो जो प्लेट बनी हुई थी वो बनी हुई थी सेल्यूलोज और पेक्टिन की, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा थिक और हार्ड थी उसकी सेल वॉल, आर्मोर प्रोटेस्ट उनको कहा जाता था।
ठीक है, यहाँ पर सेल वॉल जो डाइएटम्स की है वो सेल्यूलोज और सिलिका की बनी हुई है, सेल्यूलोज प्लस सिलिका, वहां पे सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन की बनी थी, पेक्टिन हार्ड होता है, यहाँ पे सिलिका की बनी है। अब सिलिका जो होता है आपको पता होना चाहिए, जो हम ग्लास बनाते हैं ग्लास भी सिलिका का ही बना होता है, तो ग्लास जैसी थिकनेस होती है इनकी, ठीक है, जैसे ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है वैसे ही इनकी सेल वॉल भी ट्रांसपेरेंट होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिलिका, ठीक है, दिस इज ट्रांसपेरेंट। और हमेशा जो सेल वॉल डाइएटम्स की होती है वो दो हाफ में डिवाइडेड होती है, एक होती है अपर हाफ और एक होती है लोअर हाफ, लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप ले सकते हो फिनुलेरिया का, फिनुलेरिया अपर जो हाफ इसकी सेल वॉल बनी होती है, मैंने बताया इसकी जो बॉडी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक हो गई अपर हाफ एक हो गई लोअर हाफ। तो अपर हाफ जो है, जो अपर वाली पार्ट होता है इसका, दिस इज कॉल्ड एज एपिथीका, दिस इज एपिथीका, थीका मतलब कवरिंग, एपी मतलब अबव, ऊपर की, आउटर मोस्ट, ठीक है, तो एपिथीका, और ये लोअर है तो हाइपो मतलब लोअर, तो दिस इज हाइपो, एपिथीका एंड हाइपोथीका, ठीक है। और दोनों पार्ट से इस तरीके से अरेंज्ड हैं कि ये एक ऐसी अपीयरेंस देते हैं जैसे साबुनदानी होती है आपकी, सोप बॉक्स होता है, तो ये देता है सोप बॉक्स अपीयरेंस, सोप बॉक्स अपीयरेंस, यस, इट इज गोना गिव यू सोप बॉक्स अपीयरेंस, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने बताया, अब मैंने आपको डाइनोफ्लैजेलेट में क्या बताया था, सेल्यूलोज और पेक्टिन जब मिलते हैं तो उसको कहा जाता है लॉरिका या थीका, सेम वे जब सेल्यूलोज और सिलिका मिलते हैं तो इसको कहा जाता है प्रस्ट्यूस, प्रस्ट्यूस, और प्रस्ट्यूस ट्रांसपेरेंट होता है, एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग बनाता है। अब सेल वॉल की ही मैं बात कर रही हूं, तो यहां पे प्रस्ट्यूज हो गया, सेल वॉल की मैं जो बात कर रही हूँ उसमें सेल्यूलोज प्लस सिलिका हो गया प्रस्ट्यूज, ठीक है, दो हाफ में डिवाइडेड होते हैं अपर हाफ और लोअर हाफ सेल वॉल, तो अपर हाफ जो सेल वॉल होती है उसको एपिथीका कहेंगे, लोअर हाफ की जो सेल वॉल होती है उसको हम हाइपोथीका कहेंगे, और प्रस्ट्यूज जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, सोप बॉक्स अपीयरेंस होती है पिन्यूलेरिया की, ठीक है। देन इसके बाद थर्ड हम आते हैं लोकोमोशन के ऊपर। अगर मैं लोगो मोशन की बात करूं डाई एटम्स की, तो जो सोमैटिक फेज होता है इसका, सोमैटिक फेज कह लो, वेजिटेटिव फेज कह लो, इनका जो सोमैटिक फेज होता है, सोमैटिक फेज के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो मूवमेंट कैसे होगी, जब फ्लैजिला है ही नहीं तो फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट लोगो मोशन नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से अब डाई एटम्स को मूव तो करना ही है, तो अगर मैं कह रही हूँ ये हमारा डाई एटम है, अगर ये डाई एटम है तो डाई एटम की बॉडी से निकलता है एक स्लिपरी म्यूसिलेज, ठीक है, इसके चारों तरफ से निकलता है, बॉडी ऑफ डाई एटम से निकलेगा स्लिपरी म्यूसिलेज, स्लिपरी म्यूसिलेज, और ये स्लिपरी म्यूसिलेज जो है मदद करता है इनकी मूवमेंट की। तो जब डाई एटम आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पीछे पीछे ये स्लिपरी म्यूसिलेज मूव करता जाएगा, निकलता जाएगा। अब क्योंकि डाई एटम इस म्यूसिलेज की वजह से मूव कर रहा है सोमैटिक फेज में, तो ऐसी मूवमेंट को कहा जाता है म्यूसिलेजिनस प्रोपल्शन, म्यूसिलेजिनस प्रोपल्शन, यस, इट इज कॉल्ड एज म्यूसिलेजिनस प्रोपल्शन, ठीक है। इसके अलावा डाई एटम्स की अब हम अगर बात करें तो ये तो हो गई इसकी लोकोमोशन की बात, अब बारी आती है न्यूट्रिशन की डाई एटम्स की। तो डाई एटम्स में न्यूट्रिशन कैसा होगा, इसके अंदर भी न्यूट्रिशन जो होगा इट इज गोना बी ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस है तो दैट मींस इसके अंदर पिगमेंट्स भी होंगे,
पिगमेंट्स हो जाएंगे इसके अंदर क्लोरोफिल ए सी, सेम जैसे डायनोफ्लाजिलेट्स में थे। डायनोफ्लाजिलेट्स में अल्फा कैरोटिन था, बट इसमें होगा बीटा कैरोटिन। यस, उसके अलावा वहां पे जैंथ्रोफिल था, यहाँ पर डाई एटो जैंथिन, ये भी एक तरीके का जैंथ्रोफिल ही होता है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट वी कम ओवर टू द रिजर्व फूड। रिजर्व फूड में आप याद कर लो वॉल, ये टर्म अगर आप याद कर लोगे आपको याद हो जाएगा। वॉल से होगा वॉल्यूटिन, ओ से हो गया ऑयल और एल से हो गया ल्यूकोसिन। वॉल्यूटिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बैक्टीरिया में वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स होते हैं, इनके अंदर फॉस्फेट्स रहते हैं। फॉस्फेट्स किस फॉर्म में? आरएनए के फॉर्म में स्टोर होते हैं। आरएनए के अंदर हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोटाइड का, अगर आप जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेसिस, तो उसमें आपको पता होगा आरएनए के अंदर तीन चीजें होती हैं, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजन, तो तीनों चीजें होती है। तो वॉल्यूटिन में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस स्टोर रहते हैं इन फॉर्म ऑफ आरएनए। फिर अगर मैं यहाँ पर ऑयल की बात करती हूँ, तो ऑयल का बहुत ज्यादा हाई कंटेंट होता है इसमें, डाई एटम में। इनफैक्ट जो सी के अंदर, जो फ्रेश वाटर के अंदर या मराइन वाटर के अंदर जो मछलियां होती, हम कहते हैं आप उनका तेल लीजिए, है कि नहीं? सी ऑयल, आपका जो सी ऑयल होता है, कॉड लिवर ऑयल होता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, राइट? तो यहाँ पर जो ऑयल होता है फिश के अंदर, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस डाई एटम। 90% ऑफ ऑयल इन फिश इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय डाई एटम। ठीक है, ऑयल हमेशा हल्का होता है पानी से, जिसकी वजह से ऑयल मदद करता है डाई एटम्स को टू फ्लोट ओवर दी वाटर सरफेस। डाई एटम्स समुद्र की सतह पर या पानी की सतह पर तैर पाते हैं, ऊपर ही रह पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑयल, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है पानी से। ठीक है, तो फिशेस के अंदर भी जो ऑयल है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई डाई एटम, ये ध्यान रखिएगा। ल्यूकोसिन जो है, ल्यूकोसिन बेसिकली रिजर्व करता है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स। दिस इज अ रिजर्व फूड इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द रिजर्व फूड। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है इसमें, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट एंड इंडीड इट्स वेरी लार्ज, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, देन नेक्स्ट इज सेल्यूलर स्ट्रक्चर। सेल्यूलर स्ट्रक्चर अगेन यूकैरियोटिक होता है इसमें, जैसे डायनोफ्लाजेलेट्स में मीजोकैरियोटिक था, इसमें यूकैरियोटिक होगा। ठीक है, यहीं पर अगर मैं कंपेयर करना चाहूं, लेट्स इफ आई वांट टू कंपेयर दिस विद यूग्लेनॉइड, तो अगर मैं बात करूं यूग्लेनॉइड्स की यहां पे, तो यूकैरियोटिक तो यूग्लेनॉइड्स भी होंगे। सेंट्रल वैक्यूल अगर मैं बात करूं, तो सेंट्रल वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होता है ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, और उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होता है वाटर प्रोपल्स आउट करने के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये मेनली फ्रेश वाटर में लिविंग होते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट नाउ दिस थिंग, रिप्रोडक्शन। सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बाद हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पर इसकी। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डाई एटम्स के रिप्रोडक्शन की, तो डाई एटम में प्रेजेंट होती है दोनों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है दैट इज विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन, ये बाइनरी फिशन में प्रेजेंट होती है, और बाइनरी फिजन जो होगा वो होता है, हमें भी पता है, फेवरेबल कंडीशन में। तो अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो उसमें क्या बनेगा? उसमें बनेगा स्पोर। डेफिनेटली अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनेगा। अब यहां पर जो स्पोर फॉर्मेशन होती है दैट इज स्टैटोस्पोर फॉर्मेशन। स्टैटोस्पोर फॉर्मेशन, और ये होगी अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल
कंडीशन। तो अब मैं बात करूं अगर स्टेटोस्पोर की, तो स्टेटोस्पोर क्या होता है? देखो अगर ये मैं बात कर रही हूँ डाई एटम की और ये मेरे पास है पिनुलेरिया, तो पिनुलेरिया का जो साइटोप्लाज्म है, जो यहाँ पे पूरे में साइटोप्लाज्म है, वो एक जगह एग्रीगेट हो जाएगा जैसे एंडोस्पोर में हुआ था अनफेवरेबल कंडीशन में, और यहाँ पर इट विल गेट सराउंडेड विद अ वेरी थिक वॉल, बहुत थिक वॉल से सराउंड हो जाएगा। और यही जो थिक वॉल स्पोर होगा इन केस ऑफ पिनुलेरिया, इन केस ऑफ डाई एटम, जिसको हम कहेंगे स्टेटोस्पोर, ठीक है। जब तक कंडीशन अनफेवरेबल रहेगी तो स्टेटोस्पोर एक पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर के तौर पे, एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर के तौर पे हेल्प करेगा। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगी तो ये मदद करेगा उसको जर्मिनेट करने में। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो डाई एटम के अंदर प्रेजेंट होती है आइसोगैमस कंडीशन, आइसोगैमस कंडीशन, और अब यहाँ पर आ जाती है ओगैमस कंडीशन की, ठीक है। तीनों ही हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो बार बार डिस्कस करने का कोई यूज नहीं है। आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और ओगैमस, तीनों तरीके की रिप्रोडक्शन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, यहाँ पर हम एक चीज एक्स्ट्रा देखेंगे, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ डाई एटम, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट विद लाइफ साइकिल। कई बार क्वेश्चंस आते हैं इस चीज के ऊपर की, लाइक एटम्स। यहाँ पे मैं थ्रू आउट जो एग्जांपल लूंगी लाइफ साइकिल ऑफ डाई एटम्स में, वो एग्जांपल होगा पिनुलेरिया का, ओके। तो यहाँ पर लेट मी ड्रॉ डायग्राम, ओके। ये हमारा एपिथीका है और ये हमारा हाइपोथीका है, एपिथीका एंड हाइपोथीका, ठीक है। और बीच में हमारा आ गया न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। और ये सारा जो आप एरिया देख रहे हो इसके अंदर का, दैट इज द साइटोप्लाज्म। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, दिस इज एपिथीका, दिस इज हाइपोथीका। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको इसकी लाइफ साइकिल में, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। आ सकते हैं क्वेश्चन, ये हो गया न्यूक्लियस और ये हमारा हो गया मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्म, ठीक है। देखो जब भी कभी सेल डिवीजन होता है, किसी की भी मैं बात करूं, चाहे मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं, चाहे मैं एनिमल्स की बात करूं, चाहे मैं डाई एटम की बात करूं, सेल डिवीजन में दो चीजें हमेशा होती है। सबसे पहले होता है न्यूक्लियस का डिवाइड होना, ठीक है। दैट इज न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, कैरियोट। डिवाइड का मतलब होता है काइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। पहले तो न्यूक्लियस दो हाफ में डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्मा आधा आधा डिवाइड होगा, आधा इस न्यूक्लियस के साथ, आधा दूसरे न्यूक्लियस के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस, है कि नहीं। हमेशा सेल डिवीजन के दौरान ये चीजें हमेशा होंगी, कैरियो डिवीजन इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब होगा क्या, यहां पर हम ये भी चीज देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो यहां पे लेट मी ड्रॉ, हमारा एपिथीका, हाइपोथीका और अंदर है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस दो हाफ में यहां से डिवाइड हो गया, तो हमारे पास हो गया कैरियोकाइनेसिस के बाद दो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस आ गए, ठीक है, यस। तो अगर मैं साइटोप्लाज्मा को, लेट्स से मैं ये रेफर कर रही हूँ, ये हमारा सारा साइटोप्लाज्मा है, ठीक है, दिस इज द साइटोप्लाज्मा। तो यहाँ पर अभी हमारा साइटोप्लाज्मा तो अलग हुआ नहीं है, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्मा है। Now after this, what will happen? Now after this, there would be cytokinesis. अब cytoplasma का division भी होगा. Cytokinesis. तो मैं cytokinesis भी यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ.
न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस एंड दिस इज अनदर न्यूक्लियस एंड देन देयर इज दिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा. ठीक है, तो एक साइटोप्लाज्मा इसके चारों तरफ और यहाँ पर इसके चारों तरफ. ठीक है, तो साइटोप्लाज्मा का डिवीजन हो गया. यस, सो अगेन ये हमारी बन गई है फर्स्ट डॉटर सेल. और ये हो गई है सेकेंड डॉटर सेल. सेकेंड डॉटर सेल, फर्स्ट डॉटर सेल एंड सेकेंड डॉटर सेल. ठीक है, फर्स्ट डॉटर सेल के पास अब देखो यहां से जब प्रॉपर डिवीजन होगा तो इसका डिवीजन मैं आपको दिखा देती हूँ होगा कैसे. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट डॉटर सेल बनी और जो दूसरी डॉटर सेल बनी मैं आपको दिखा देती हूँ. ये बनी सेकंड डॉटर सेल. ये हमारी फर्स्ट डॉटर सेल है, ये सेकंड डॉटर सेल है. अब आप यहाँ देख सकते हो जो हमारी फर्स्ट डॉटर सेल थी इसके पास क्या है, इसके पास प्रेजेंस है एपिथीका की और जो सेकंड डॉटर सेल थी इसके पास प्रेजेंस है हाइपोथीका की. इसी तरीके से डिवीजन हुआ है दोनों के बीच में, एक के पास गई ऊपर वाली लेयर, दूसरे के पास गई नीचे वाली लेयर. ठीक है, अब सेकंड डॉटर सेल के पास हाइपोथीका है लेकिन ये हाइपोथीका जो है पेरेंट सेल की है. ठीक है, अब होगा क्या, देखो यहाँ पे फर्स्ट डॉटर सेल की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट डॉटर सेल के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके पास ऑलरेडी एपिथीका है तो ये क्या करेगा, एपिथीका तो है, अब ये एपिथीका से बना लेगा हाइपोथीका, अपने आप हाइपोथीका फॉर्म करके इसने बना लिया अपना खुद का हाइपोथीका. ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट डॉटर सेल का कंप्लीशन. अगर मैं बात करूं सेकंड डॉटर सेल की, अब सेकंड डॉटर सेल यहाँ पे क्या करेगी, इसके पास तो हाइपोथीका अभी एपिथीका बनाना चाहती है, तो होगा क्या, अब यहाँ पे जो ये हाइपोथीका है ये एज एन एपिथीका ही एक्ट करेगी. यहाँ पे हाइपोथीका विल एक्ट लाइक एपिथीका, यहाँ पे हाइपोथीका को एपिथीका की तरह एक्ट करेगी और नीचे हाइपोथीका फॉर्म करेगी. तो यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से बना लूं, ये थी इसकी हाइपोथेका, नीचे इसने न्यूली बना ली अपनी हाइपोथेका, अंदर का एटमॉस्फेयर सब रहा सेम. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, तो ये हमारी हो गई सेकंड डॉटर सेल. सेकंड डॉटर की अब ये हो गई हाइपोथेका और ये हो गई. लेकिन अब यहां पर आपको एक चीज जो ध्यान देने वाली है, बाइनरी फिजन जो हुआ है, बाइनरी फिजन से बनी है दो डॉटर सेल्स, वेरी ट्रू. लेकिन आप देख सकते हो जो साइज ऑफ फर्स्ट डॉटर सेल है, अगर मैं आपको ये क्लियरली यहाँ पे दिखाऊं, जो फर्स्ट डॉटर सेल का साइज था वो सेम रहा एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल. अगर आप यहां से कंपेयर करो पेरेंट सेल से तो फर्स्ट डॉटर सेल का जो साइज रहा वो सेम रहा पेरेंट सेल से. क्यों? क्योंकि उसकी एपिथीका उसकी कंजर्व हुई थी तो एपिथीका उतनी की उतनी ही रही, नीचे उसने उसी साइज की हाइपोथीका बना ली. लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा है, एपिथीका का साइज जो है बड़ा है एज कंपेयर टू हाइपो हाइपोथीका से. जो दूसरा डॉटर सेल बना उसके पास तो सिर्फ हाइपोथीका ही थी जिसका साइज एपिथीका से कम था, तो यहाँ पर उसने वही छोटे हाइपोथीका को एज एन एपिथीका लिया और उसके नीचे छोटा हाइपोथीका बना. तो साइज ऑफ सेकेंड डॉटर सेल, ये हमारे पास सेकेंड डॉटर सेल थी, जो सेकेंड डॉटर सेल का साइज था वो छोटा रह गया एज कंपेयर टू फर्स्ट. बाइनरी फिजन हुआ
लेकिन किस तरीके से हुआ, जो फर्स्ट डॉटर सेल का साइज था वो सेम रहा, सेकंड का छोटा हो गया, मतलब अनइक्वल सेल डिवीजन हुआ, जिसकी वजह से एक डॉटर सेल का तो नॉर्मल पेरेंट के तरह ही इक्वल साइज रहा, लेकिन सेकंड वाली का छोटा हो गया। ठीक है, एंड ये जब भी इसमें डिवीजन होगा, अब मैं कह रही हूँ सेकेंड डॉटर सेल में फिर से डिवीजन होगा, फिर से डिवीजन होगा, तो क्या रहेगा, कंडीशन सेम रहेगी। कैसे, यहां पर देखो, यहां पर इसने अपना बनाया हाइपोथेका, ये एपिथीका था इसके पास, और यहां पर अगेन उसने अपना नया हाइपोथेका बना लिया। ठीक है, और बीच में न्यूक्लियस एंड चारों तरफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये तो कंडीशन बिल्कुल सेम ही रही, है कि नहीं। अगर मैं इसको और थोड़ा सा आपको ढंग से दिखाना चाहूं, तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हो, लेट मी शो यू। ठीक है, इसके पास फर्स्ट डॉटर सेल के पास हाइपोथीका ऐसा, एपिथीका ऐसा का ऐसा ही कंजर्व रहा, तो ये साइज सेम रहा एज दैट टू द पेरेंट सेल। लेकिन जब मैं बात करूंगी सेकंड डॉटर सेल की, जिसके पास हाइपोथीका गया है, तो ये हाइपोथीका को लेगी एज एन एपिथीका, ये आया इसका एपिथीका बनाया इसने, और उसके नीचे, एपिथीका के नीचे नाउ इट्स गोन टू फॉर्म दिस हाइपोथीका, एक नया हाइपोथीका बनाएगी, तो ये वाला साइज फर्दर छोटा हो गया इससे। यस, सो दिस वाज द फर्स्ट डॉटर सेल, दिस इज द सेकंड डॉटर सेल। साइज ऑफ फर्स्ट डॉटर सेल वुड बी सेम एज दैट टू द पेरेंट सेल, लेकिन साइज ऑफ सेकंड डॉटर सेल छोटा रहेगा। तो ये हर बार यही होगा, फिर से अगर इस सेकंड में डिवीजन होगा या फर्स्ट में डिवीजन होगा, तो फर्स्ट डॉटर सेल की भी जो दो डॉटर सेल बनेगी वो एक सेम होगी और दूसरी छोटी होगी, एंड दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। दिस इज अ वेरी पर्टिकुलर कंडीशन डाई एटम्स में, जहां पे जब भी बाइनरी फिजन होगा, व्हेन एवर अ बाइनरी फिजन अकर्स, व्हेन एवर बाइनरी फिजन अकर्स, तो इसमें होगा क्या, वन डॉटर सेल वुड बी इक्वल टू पेरेंट सेल साइज, व्हाइल अदर डॉटर सेल वुड बी स्मॉलर देन दी पेरेंट सेल। ठीक है, हर बार डिवीजन होगा, हर बार यही होगा। तो अगर यार ऐसे ही होता रहता, सेकंड में अगेन डिवीजन हुआ, हाइपोथीका अगेन छोटा बना, करते 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 तो गायब हो जाना चाहिए था। एक टाइम आना चाहिए जब डॉटर सेल के पास जो हाइपोथीका है बहुत छोटा सा रह जाएगा, फिर वही एपिथीका के फॉर्म पे एक्ट करेगा, फिर छोटा, बहुत छोटू सा हाइपोथीका बनेगा। तो इस हिसाब से तो हाइपोथीका एपिथीका गायब हो जाना चाहिए यार, इस डॉटर सेल को, इस डाई एटम को गायब हो जाना चाहिए, Isn't it? लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक डॉटर सेल का साइज कीप ऑन डिक्रीजिंग, तो ये जो डिक्रीजिंग वाला कंटेक्स्ट था कि साइज ऑफ वन डॉटर सेल विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, दैट वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, मैकडोनल एंड फिट्जर्स। फिट्जर, ये दो साइंटिस्ट ने दिया था, जिसकी वजह से इसका नाम ही यही पड़ गया, जो साइज छोटा होता जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज मैकडॉनल्ड क्लिट्जर्स लॉ, मैकडॉनल्ड क्लिट्जर्स लॉ। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट के नाम पर ये नाम पड़ा। ठीक है, तो नाउ जो सेल साइज डिक्रीज होता जा रहा है, अब हम ये देखते हैं कि वो सेल साइज दोबारा बढ़ेगा कैसे, हाउ इट्स गोना इंक्रीज। तो यहां पर मैंने आपको यही चीज दिखाई, फर्स्ट डॉटर सेल एंड सेकंड डॉटर सेल। अब मैं अगर आपको यहाँ पर पूरा इसका दिखा दूं अच्छे से एक बार, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग शुरू ही ऐसे कर देते हैं, ये हमारा एपिथिका और ये हमारा हाइपोथिका। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहां इसके कहने पे बनेगी दो डॉटर सेल, तो एक के पास गया सेम एपिथिका और वो अपना न्यू ही बना लेगा हाइपोथिका, इट्स गोना फॉर्म न्यू हाइपोथिका।
ये रहा पहले जैसा, और दूसरे के पास गया था हाइपोथेका, तो ये हाइपोथेका जो है वो एक्ट कर रहा है एज एन एपिथेका, ठीक है? ये अपना नीचे बना लेगा नया हाइपोथेका ऐसे ही, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करा है, एंड दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है? अगेन जो स्मॉलर वन है, स्मॉलर वन विल अंडरगो दी फिजन अगेन, तो एक तो एपिथेका वैसा ही रहा इसका, नीचे अगेन इसने बनाया नया हाइपोथेका और देयर इज अ न्यूक्लियस। नेक्स्ट में जिसमें आपका हाइपोथेका गया, हाइपोथेका ने एक्ट करा एज एन एपिथेका अगेन, एंड देन नाउ देयर वुड बी दिस थिंग, फर्दर छोटा हो गया हाइपोथेका। आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल, ठीक है? फर्दर ऐसा होता जाएगा, ठीक है? ये हमारा बना था स्मॉलर, ठीक है? और ये कह लो इक्वल, ये हमारा इससे बना इक्वल और ये बना स्मॉलर, ठीक है? अब होगा क्या, यहाँ पे यू कैन सी कि साइज जो है कम होता जा रहा है, द साइज इज गेटिंग डिक्रीज, सो दिस इज व्हाट, दिस इज मैकडोनाल्ड प्लिट्जर्स लॉ, यही मैकडोनाल्ड प्लिट्जर्स लॉ हो गया। अब इसके बाद अब कैसे साइज इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए अब यहाँ पर वापस ये जो स्मॉलर वन है, स्मॉलर वन अब डाई एटम है बॉडी के है इसकी डिप्लॉइड, तो ये स्मॉलर वन में अब इस डिप्लॉइड बॉडी में होगा मेयोसिस, देयर वुड बी परफॉर्मेंस ऑफ मेयोसिस। मेयोसिस होने की वजह से, इसी के अंदर मेयोसिस हो रहा है, मेयोसिस होने की वजह से बनेंगे यहाँ पे गेमीट्स, ठीक है? तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये हमारे पास गेमीट्स बनेंगे, तो एक सेल से कितने सेल आप बनेंगे यहाँ पे, चार, ये चार गेमीट्स बनेंगे, 1 2 3 4 4 गेमीट्स आ गए, ठीक है? अब फोर गेमीट्स में से ये दो गेमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है? दो दो गेमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है? फ्यूजन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है? फ्यूजन, सो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स इज देयर, फ्यूजन को आप कह सकते हो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या था, एन और एन, ये गेमीट्स, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनेगा क्या, बनेगा जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद हमेशा जाइगोट बनता है, और यहाँ पे अगेन डिप्लॉइडी मेंटेन हो जाएगी, यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा, दिस जाइगोट इज कॉल्ड एज ऑक्सोस्पोर, ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सोस्पोर के फॉर्म में जाइगोट बनेगा, ठीक है? अगेन ये जो जाइगोट है, डेफिनेटली जाइगोट जब भी बनता है, जाइगोट शो करता है ग्रोथ, जाइगोट हमेशा ग्रोथ शो करेगा, ठीक है? और ग्रोथ शो करने के बाद अगेन इट्स गोना रीस्टोर इट्स साइज टू दिस, अगेन ये अपना साइज इसी तरीके से रीस्टोर कर लेगा, ठीक है? यहां पर आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली सेल साइज इंक्रीज हो रहा है, सेल साइज इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे सेल साइज डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे सेल साइज इंक्रीज हो रहा है, सो यू कैन सी द लाइफ साइकिल इस तरीके से। अब यहां पर देख सकते हो ये जो सेल था डिप्लॉइड था, ये दोनों जो सेल थे दोनों डिप्लॉइड थे, ये दोनों जो सेल बने दोनों डिप्लॉइड थे, यहाँ पर मेयोसिस हुआ, यहाँ पर हेप्लॉइडी आ गई, अगेन जाइगोट बना डिप्लॉइड, अगेन ग्रोथ हुई डिप्लॉइड, वापस डिप्लॉइड, तो हमारे पास हेप्लॉइड फेज कितना कम है, कैन यू सी दिस थिंग, हमारे पास सिर्फ ये फेज है हेप्लॉइड, सिर्फ दिस फेज इज हेप्लॉइड, अदरवाइज ये सारा हमारे पास डिप्लॉइड फेज है, तो लाइफ साइकिल कैसी हुई, लाइफ साइकिल इसकी हुई डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और अब ये मुझे बताइए आपकी मियोसिस कहाँ हो रहा है, मियोसिस हो रहा है यहाँ पे, गेमीट्स बन रहे हैं मियोसिस से, है कि नहीं? अगर मियोसिस से जाइगोट बनता है तो जाइगोटिक, या जाइगोट के अंदर अगर यहाँ पर मियोसिस होता, इस स्टेज के बाद में लगाती है मियोसिस लगाती, तो उसे हम कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस, लेकिन अब मियोसिस यहाँ हो रहा है और गेमीट बन रहे हैं मियोसिस से, तो ऐसे मियोसिस को हम क्या कहेंगे, ऐसे मियोसिस को हम कहेंगे गेमीटिक मियोसिस, गेमीटिक मियोसिस। तो आई होप ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हुए होंगे, लाइफ साइकिल ऑफ डिप्लॉन्ट्स आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है?
जाइगोट जो मैंने आपको बताया था, जाइगोट ग्रोथ शो करता है जिसमें वो एक्सपैंड करता जाता है, उसका साइटोप्लाज्म एक्सपैंड करता है। और कोई भी सेल, याद रखिएगा कोई भी सेल, मैंने यहाँ पे ऑक्सोस्पोर क्यों लिखा है, कभी भी कोई भी सेल अगर ग्रोथ शो कर रहा है तो आप उसको ऑक्सोस्पोर कहेंगे। क्यों? ऑक्सो का मतलब क्या होता है? ऑक्सो इज रिलेटेड विद ग्रोथ। ह्यूमन बींग्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन, ठीक है? तो ऑक्सोस्पोर्स, इस वजह से मैंने इसको ऑक्सोस्पोर कहा। आई होप दिस इज क्लियर विद यू, ये पूरा इसका फंडा। और ये वाला जो प्रोसेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं रिस्टोरेशन प्रोसेस या रेस्टोरेशन प्रोसेस। दैट मीन सेल के साइज को रिस्टोर करना, ठीक है? दिस इज रेस्टोरेशन प्रोसेस। दिस शुड बी क्लियर विद यू। कई बार क्वेश्चन इन सब चीजों पर आते हैं, मैकडोनल्ड पिट्जर्स लॉ, डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, डोमेस्टिक मियोसिस, पिन्यूलेरिया, सोप बॉक्स अपीयरेंस, रेस्टोरेशन प्रोसेस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, सेकेंड डॉटर सेल का स्मॉलर होना फर्स्ट पेरेंट सेल से या फर्स्ट डॉटर सेल से, ऑल दीज थिंग्स वुड कम। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इज ऑल अबाउट द डाई एटम लाइफ साइकिल। इम्पॉर्टेंट है, प्लीज पढ़िएगा, रिवाइज करिए। अब हम इसके बाद यहीं पर हमारा डायटम्स खत्म होता है। आफ्टर डायटम्स वी कम ओवर टू द थर्ड वन। हमने डायनोफ्लाजेलेट्स कर लिया, डायटम्स के लिए अब बारी आती है यूग्लेनॉइड्स की। तो लेट अस स्टार्ट विद द यूग्लेनॉइड्स नाउ।